हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज आप लोगों का टेस्ट है। टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए थे, तो सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर सेकेंड ग्रेड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, तो उनको जो है वो बिल्कुल डिटेल में नोट्स जो हैं वो आपको मिल चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर भी ली होगी। लगभग सभी बच्चों के पास ही नोट्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं तो उन्होंने सेकेंड ग्रेड का जीके का कोर्स ले लिया है, और वहीं पर जो बच्चे रीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने आरबीएससी के नोट्स जो हैं ले लिए हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का टेस्ट होगा, और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके मैं पूछूंगी। 30 में से 30 के आंसर जो है वो आपको आने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई भी मैटर अभी तक नहीं पहुंचा है। सभी ने लगभग जो है वो यहाँ से कोर्स जो है वो परचेज कर ही लिया है। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया है वो लोग अब बुक जो है वो पढ़ते रहिए, बुक में से नोट्स जो है वो बनाते चलिए। तो चलिए, पेन कॉपी आप लेकर बैठ गए हैं, और मैं क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद आपका ऑप्शन होंगे। अच्छे से ऑप्शन देखना है, आंसर सही करना है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करिएगा। क्वेश्चन वन देखें, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, शिवाना का किला, जालौर का किला या बूंदी का किला? तो बिल्कुल फटाफट से आंसर देते चलिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर लगा लिया, और कमेंट जो है वो मैं आप लोगों के बाद में देखूंगी कि कितने जो है 30 में से 30 मार्क्स जो है वो लेकर आते हैं। तो यहां पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बूंदी का किला। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2011 में पूछा भी जा चुका है। तो यहां पर लगभग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो मैंने लिए हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या सही है। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? पारिख दुर्ग, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग या जल दुर्ग? तो फटाफट से आंसर जो है वो आप लगाइए, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो बिल्कुल आंसर होगा जलदुर्ग, और गागरुन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। अब देखिए, ये एसआई में पूछा गया है 1998 में। वह कौन सा किला है जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे? तो ऐसा कौन सा किला है? चूरू का किला चूरू में है, लोहागढ़ का किला भरतपुर में, कैसरोली का किला कैसरोली में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में। तो सोचिए, इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। फटाफट से लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, और उसके आगे लिखिए ए बी सी या डी। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो तैयारी कर चुके हैं, और आंसर है इसका देखिए चूरू का किला चूरू में। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या गागरोन दुर्ग? तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। तो ईओ जो एग्जाम है 2007 का, उसमें ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर में, साथु गांव जालौर में, नगला जहाज भरतपुर में या पांचोटा गांव जालौर में? तो ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जहां भी राजस्थान का जीके पूछा जाता है। तो देखिए, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और आरएएस प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है।
राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा का मंदिर, किराड़ू का मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर या भंडेवरा का मंदिर? तो किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग फटाफट से लगाते चलिए और सभी जो है बाद में काउंट करके और कमेंट में अपने जो है बताएंगे कि कितने जो है आंसर आप लोगों ने सही किए। तो इसका सही आंसर होगा देखिए किराड़ू का मंदिर। तो ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, सोलंकी शैली का है, भूमिज शैली का है, कच्छप घाट शैली का है या गुर्जर प्रतिहार शैली का है? मैं कोर्स वाले बच्चों से ये उम्मीद करूंगी एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं दोगे, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा दी है, ठीक है, पॉलिटी मैंने आपको राजस्थान की पढ़ा दी है, इसके अलावा मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है वह किस शैली का है? तो जिनको आता है वो तो फटाफट से आंसर लगा देते हैं। देखिए पढ़ाई जो है वो अपनी बिल्कुल चालू रखिए, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। आंसर है इसका गुर्जर प्रतिहार शैली। तो ये सेकंड ग्रेड में ही ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी, संत पीपा जी, बाबू जी या जसनाथ जी? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ऑप्शन ए है गोगा जी, बी है संत पीपा जी, सी है पाबू जी और डी है जसनाथ जी। अभी मैं किसी के भी कमेंट नहीं देखूंगी, बस आप लोग आंसर जो है वो लगाते चलिए। ये आपकी खुद की ही परीक्षा है कि आप लोग तैयारी जो है वो कितनी कर रहे हैं। आंसर रहेगा देखिए गोगा जी। तो यहां पर याद भी रख सकते हैं कि गजनबी ग से है और गोगा जी भी ग से है। तो पुलिस कांस्टेबल 2007 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखें, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबू जी की फड़ पर, रामदेव जी, देव नारायण जी या तेजा जी? देखिए फटाफट से लगाते चलिए, क्योंकि आता है आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा कि कौन से लोक देवता हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो बात अलग है। तो यहां पर आंसर रहेगा कि देव नारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। अगला देखें, ये पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखें, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, तो जो पैलेस महल जो है वहां से क्वेश्चन जो है ये है, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्र महल पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सामोद महल और उम्मेद भवन पैलेस। तो देखिए उम्मेद भवन पैलेस जो कि छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिए। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है। और ये पटवार में आ चुका है ये क्वेश्चन। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधव सिंह ने? तो क्वेश्चन 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा छत्रसाल ने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 12। राजपूतों के नगरों और प्रासादों यानी महलों, इनका निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति प्रेमी थे,
वे नगर जीवन से घृणा करते थे या वे बर्बर थे? अब देखिए, बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, एग्ज़ाम का बताने पर भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग टेस्ट के लिए नहीं आए हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो बच्चे आएंगे तो उनका भी टेस्ट होगा, चार बच्चे आएंगे उनका भी होगा, 30 आएंगे तो उनका भी होगा, ठीक है? तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल रेगुलर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, इस वजह से पहाड़ियों में उन्होंने नगरों और प्रासादों का निर्माण करवाया। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो राजस्थान के एकीकरण से ये क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों या राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 17, 18, 19 या 20? तो जिनको आज हम जिले कहते हैं, उस वक्त जो है उनको राज्य या रजवाड़े कहा जाता था, ठीक है? तो इसका आंसर तो लगभग सभी बच्चे सही दे रहे हैं, सबको ही आता है ये आंसर कि 19 राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। सेकंड ग्रेड में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? तो देखिए लगभग यहाँ पर क्वेश्चन में वही लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हों, तो आइडिया लग जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन 14 देखें, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, राज प्रमुख, गवर्नर जनरल, राज्यपाल या महाराजाधिराज? तो सोचिए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो आंसर रहेगा क्वेश्चन 14 का, राज प्रमुख, ठीक है? राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे राज प्रमुख के नाम से। और यह भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन 15, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 29 नवंबर 1949 या 1 नवंबर 1956? तो फटाफट से आंसर जो है वो लगाइए, आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं इन चीजों को। तो सिरोही का राजस्थान में विलय जो है वो कब हुआ? बिल्कुल सोच समझ के इसका आंसर जो है वो आपको लगाना है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो छठवां चरण था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संयुक्त राजस्थान, तो उस वक्त सिरोही का जो है राजस्थान में विलय हुआ। और सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आ चुका है, 2011 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट भी हो सकते हैं, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो करने बहुत जरूरी होते हैं। राजस्थान के वे कौन से चार राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, करौली, भरतपुर, टोंक, अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली। तो इसकी तो ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि वो कौन से चार राज्य हैं जो मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं, जो कि पहला चरण है 15 मार्च 1948 को, है ना? तो बिल्कुल यहां पर बच्चे जो हैं वो समझ गए हैं कि बिल्कुल ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, कोटा नहीं आएगा, करौली आएगा। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 का ये क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्न में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? अब ध्यान से सुनिएगा इसको, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, क्या ये सही है? सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया, आबू को राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया, मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी। तो राजस्थान का एकीकरण यानी सातवां चरण,
राजस्थान जो कि अस्तित्व में आ गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया? नहीं, सिरोज का विलय जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, आबू को राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है। आबू को किया गया था सम्मिलित सातवें चरण में। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मत्स्य संघ जो है इसको राजस्थान में विलय कब किया गया था, तो इसको जो है वो पांचवें चरण में किया गया था। और ये आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है या पारिख दुर्ग है? तो याद करिए मैंने सोनारगढ़ के बारे में जो है वो आपको एक दो लाइन बताई थी, तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो कि ये ऐसा दुर्ग है जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो क्या होता है, सोने की तरह चमकता है। तो सोचिए कैसा दुर्ग है, कहाँ पर है ये। अब देखिए जिनको आता है वो तो फटाफट से आंसर जो है वो ऑप्शन भी नहीं देखते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग है, और फटाफट से लगा देते हैं कि हाँ यही सही है। तो बिल्कुल ये है धानवन दुर्ग, जैसलमेर में है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 का ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा किला जो है वो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन देखकर बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो गढ़बीटली के नाम से जो जाना जाता है वो दुर्ग है तारागढ़, और कहाँ का, अजमेर का। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा में, जयपुर में, बूंदी में या झालावाड़ में? सबका आंसर सही होगा ये कि 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल बूंदी में ही है। आरपीएससी जो हेडमास्टर एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है ये। जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? हाड़ा, परमार, सिसोदिया या कछवाहा? तो बिल्कुल यहां पर सही उत्तर है कछवाहा। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन 22, गोराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है और एग्जाम में आ चुका है। गोराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा अजीत सिंह, ईश्वर सिंह, जसवंत सिंह या गंगा सिंह? तो देखिए हम लोग जो है वो पूरी मेहनत करते हैं, आप लोग जो है आप भी खूब मेहनत करिए। गौराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बिल्कुल आंसर रहेगा राजा अजीत सिंह। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या कोटा? तो जहाँ हम महल पढ़ते हैं तो छतरियाँ जो हैं वह भी पढ़ना बेहद जरूरी है। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ जोधपुर रहेगा, जयपुर, जैसलमेर या कोटा? तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन 23 का आपने सही आंसर लगाया है या नहीं, जोधपुर रहेगा। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ है? आमेर, जयपुर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सीकर टोंक, लालसोट, दौसा?
क्वेश्चन 24 का आंसर लगाइए। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? आमेर में है, मांडलगढ़ में है, सीकर में है या दौसा में है? तो ये है सही आंसर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखें, वैणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? सोम माही पार्वती, सोम जाखम पार्वती, माही कोठारी और पार्वती, और सोम माही जाखम। तो देखिए, सर ने आपको ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन का आंसर बताया होगा और मैंने भी आपको हिस्ट्री में ये चीज़ बताई है, ठीक है? अब फटाफट से आंसर लगाइए, वैणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सोम माही जाखम। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर, आभानेरी दौसा, चंद्रावती झालावाड़ या ओसिया जोधपुर? ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, लेकिन बस थोड़ा सा बदल कर पूछ लिया है। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो सभी इसका आंसर सही देंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किराड़ू बाड़मेर। फटाफट से जो है वो आप आंसर लगाते चलिए। नेक्स्ट देखिए, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन ए ओशिया मंदिर जोधपुर में है, सालासर मंदिर चूरू में है, रणकपुर मंदिर पाली में है और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में है। तो इसमें से कौन सा मिलान जो है वो गलत है? तो बिल्कुल आंसर जो क्या रहेगा, जोधपुर मंदिर, जो ओशिया मंदिर है वो कहाँ है? जोधपुर में है, बिल्कुल राइट है। सालासर मंदिर चूरू में है, रणकपुर मंदिर पाली में है, बट जो डी है ऑप्शन, जगदीश मंदिर, वो भीलवाड़ा में नहीं है। तो ये गलत है, यही आपका आंसर है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में ये आ चुका है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को? तो गोगा नवमी जो है वो नवमी को ही मनाई जाती है, और कब मनाई जाती है? ऑप्शन डी है, भादों की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, और आरएएस एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आया था। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने या महाराजा सूरजमल ने? तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए जिसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, महाराजा मान सिंह, ठीक है? तो बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही होगा आंसर, कि डी के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो क्वेश्चन 29, इसके आगे अपना आंसर जो है वो लगाएं कि इसका आंसर जो है वो क्या है, डी है, महाराजा सूरजमल, ठीक है? चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? भरतपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो अंतिम प्रश्न है ये, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? भरतपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बीकानेर, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से अपने ऑप्शन जो है वो लगाए हैं, और अब आप बताएंगे कि 30 में से आपके कितने जो है सही हुए हैं, ठीक है? और बार बार बोलती हूँ कि कोर्स जो जिन बच्चों ने लिया है उनसे ये उम्मीद करती हूँ मैं कि वो लोग जो है पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, और इन 30 में से 30 का आंसर उन्होंने सही दिया है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है?
तो अब 5-6 टॉपिक और हैं आपके जिनका मैंने टेस्ट नहीं लिया है। बाकी इससे पहले जो हैं वो आपके 2 टेस्ट पहले भी ले दिए थे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने 30 में से बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लिए होंगे। बहुत ईमानदारी से आप लोगों ने टिक किया होगा, कोई भी चीटिंग नहीं की होगी, क्योंकि खुद के साथ ही चीटिंग करना होगा, ठीक है। और कोर्स के बच्चों से बार बार बोलती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं पढ़ाई रेगुलर रखिए। मैंने आप लोगों के हिस्ट्री के पहले भी 2 टेस्ट ले लिए हैं, सभी के लिए हैं, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। ये आपका तीसरा टेस्ट है और उसके बाद एक और टेस्ट होगा, और आपकी राजस्थान जीके में जो हिस्ट्री है आपकी, उसके कंप्लीट जो है वो टेस्ट हो जाएंगे। और ये टेस्ट किस लिए लिए जाते हैं? ताकि आपकी रिवीजन हो सके, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।